हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। आज की इस क्लास में हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऊष्मा का जो मात्रक होता है ना, कैलोरी, ये कह रहा है जो कैलोरी होता है ये लगभग कितने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा, एक कैलोरी जो होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये 4.2 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, बॉक्साइड किसका ओर होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और मिका। तो बॉक्साइड का फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है Al2H2O4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है Al, एल यानी कि एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइड किसका आवश्यक होता है प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम का आवश्यक होता है। और जब हम इससे एल्यूमिनियम निकालते हैं तो पहले हम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, ठीक है, Al2O3। और आप लोग जानते हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये नेचर में एम्फोटेरिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है प्यारे बच्चों, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब होता है भैया ना एसिडिक होता है और ना बेस होता है। इसमें दो ऐसे होते हैं, दो अपने ऑक्साइड होते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है अपना जिंक ऑक्साइड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन टोटल एनर्जी, ये कह रहा है जब एक बॉडी अर्थ के ऊपर फ्रीली गिरती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, कुल जो ऊर्जा होती है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहती है भाई, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता गुरुजी, आप तो कहोगे कि जब हाइट के ऊपर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जब गिर रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो बेटा जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब टॉप के ऊपर मेरे भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डाउन कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब वो नीचे गिर रही है तो वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। तो इसीलिए जो एनर्जी है वो हमेशा रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता उसके अंदर, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है द शार्पनेस ऑफ टेलीविजन इमेज देमसेल्फ इट्स सॉरी टर्म्स एज, ये कह रहा है जो शार्पनेस होती है टीवी इमेज की, उसको हम क्या कहते हैं। तो आप लोग सारे जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, है ना। जो शार्पनेस मतलब जो टेलीविजन की जो इमेज दिखाई देती है टीवी के अंदर, उसका जो शार्पनेस होता है वो क्लियर कब दिखाई देगी, वो हाई रिजोल्यूशन के ऊपर होगी तभी क्लियर दिखाई देगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी ड्यू टू द, ये कह रहे हैं समुंदर के अंदर जो नीला रंग होता है ना पानी का, वो किसकी वजह से हो रहा है। पहला क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय द सी वाटर, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय इम्प्योरिटीज इन सी वाटर। अगला कह रहा है स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द वाटर मोलिक्यूल्स। चौथा कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर्स एक्सेप्ट ब्लू बाई वाटर मोलिक्यूल्स। हिंदी में देखो एक बार क्या कह रहा है, समुंदर के पानी से नीला आकाश का प्रतिबिंब बनता है, या समुंदर के पानी में जो अशुद्धियों के द्वारा नीली रोशनी का परावर्तन होता है, या पानी के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो नीले रंग को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, बिखराव कर देते हैं उसका। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका एग्जाम्पल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इसमें क्या होता है, पानी के जो मोलिक्यूल्स होते हैं इनके द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों, जो नीला कलर होता है, ब्लू कलर जो होता है, वो स्कैटर कर दिया जाता है, उसको बिखेर दिया जाता है। अब ब्लू कलर ही क्यों बिखरता है, क्योंकि प्यारे बच्चों ब्लू कलर इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो कलर ज़्यादा बिखरेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है ऑडियोबल रेंज ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग, ये कह रहे एक वयस्क मनुष्य होता है उसकी ऑडियोबल रेंज क्या होती है। तो सारे बच्चे जानते हैं इसको, कितनी होती है प्यारे बच्चों उसकी ऑडिबल रेंज, तो 20 हर्ट्स से लेकर के 20,000 हर्ट्स ये ऑडिबल रेंज होती है। इससे कम की जो होती है, लेस देन 20 हर्ट्स, इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, है ना। और जो 20,000 से ज़्यादा की होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक, इसको आप लोग जानते ही होंगे। चले प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन ब्लड इज रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ये कह रहा है मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है,
तो ह्यूमन ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है मेरे भैया, ह्यूमन ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, कौन सा? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का कलर, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, इसका रेड कलर होता है। देखो हिम, हिम का मतलब होता है लोहा, आयरन, और जहाँ कहीं भी रेड कलर की बात आ जाए वहाँ पर आपका आंसर आयरन ही रहेगा, है ना। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि जिस तरह से अपने से पूछता है ना कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो उसके अंदर भी प्यारे बच्चों आयरन ऑक्साइड होता है ना, आयरन ऑक्साइड होता है। जहाँ भी लाल कलर की बात आती है वहाँ पर आयरन ही अपना राइट आंसर होता है, लोहा, है ना। मार्स जो है ना, मार्स मंगल ग्रह, सुना होगा आप लोगों ने, मंगल ग्रह की भी मिट्टी लाल है, उसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ का लाल रंग पूछे ना, मोस्टली आपका आंसर वहाँ पर आयरन वाला ही होगा। और हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या होता है प्यारे बच्चों? आयरन होता है, लोहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो हीमोसाइनिन दिया हुआ है, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन किसके अंदर होता है? तो ये केंचुए के अंदर होता है। साइन, साइन वर्ड आ गया ना, साइन, साइन का मतलब होता है नीला, है ना, साइन का मतलब होता है नीला। तो केंचुए का ब्लड का कलर कैसा होता है? तो नीला होता है, है ना। साइन, साइनोकोबालमिन एक बैक्टीरिया, सॉरी विटामिन होता है ना, साइन, साइन का मतलब होता है ब्लू, नीला, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑन द अर्थ इज नाउन एज लाइव फॉसिल सर्वाइंग फॉर मोर देन 150 बिलियन ईयर्स। ये कह रहा है पृथ्वी के ऊपर 150 बिलियन अधिक वर्षों तक जिंदा रहने वाला जीवाश्म जो कौन सा है, वो होता है प्यारे बच्चों ओलिव रेडिले कछुआ का, है ना। टर्टल्स है, एक नाम है इसका ओलिव रेडिले, सबसे पुराना जो है ये जीव है ओलिव रेडिले कछुआ, जो अभी जिंदा है ना, लिविंग है ये। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्ट्रक्चर कनेक्टेड द फीटस टू प्लेसेंटा। ये कह रहा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होती है प्यारे बच्चों? प्लेसेंटा जो फीटस को, जो अपना भ्रूण होता है ना, भ्रूण, फीटस को बोलते हैं भ्रूण, तो अपने भ्रूण को जो खाना पहुंचता है, ठीक है, मदर के पेट में जो भ्रूण होता है, जो फीटस, फीटस इंग्लिश में इसको फीटस बोलते हैं, ये किसके द्वारा पहुंचता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचता है ना, नाभि से जुड़े होते हैं ना प्लेसेंटा। ये कह रहा है प्लेसेंटा को जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं हम गर्भनाल, है ना। क्या कहते हैं? गर्भनाल कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको बोला जाता है, गर्भनाल इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हेपेटाइटिस इज ड्यू टू द, हेपेटाइटिस क्या होता है प्यारे बच्चों? हेपेटाइटिस होता है लीवर की बीमारी होती है अपनी, है ना, किसकी होती है? लीवर की होती है, वायरल डिजीज है, एक वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी, ज़्यादा शराब पीने से होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर की बीमारी होती है। पूछे किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है प्यारे बच्चों? तो आप लोग कहेंगे जी लीवर को इफेक्ट करती है, लीवर यानी कि यकृत को इफेक्ट करती है प्यारे बच्चों। ये किसको इफेक्ट करती है? लीवर को, यकृत को इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट ऑफ विटामिन सी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फल, जो अपने सिट्रस फ्रूट होते हैं ना खट्टे फल, उसके अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे अमरूद है, अनानास है, टमाटर है और ऑरेंज है। ऑरेंज ज़्यादा खट्टा होता है प्यारे बच्चों, ऐसे पाइनएप्पल के अंदर भी होता है, ऐसी बात नहीं है, फ्रूट्स के अंदर सारे होते हैं। गवावा भी थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, तो उसके अंदर भी होता है, लेकिन रिचेस्ट सोर्स पूछा है ना इसने, रिचेस्ट सोर्स इसका ऑरेंज, संतरा जो होता है वो क्या होता है? रिचेस्ट सोर्स होता है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बैक्टीरिया यूज इन, अच्छा बैटरीज यूज इन मोबाइल एंड स्मार्टफोन, स्मार्टफोन और मोबाइल्स के अंदर कौन सी बैटरी यूज की जाती है? तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कौन सी बैटरी होती है, ये जो बैटरी होती है ना अपने ड्राइव सेल जो होता है, ये लिथियम बैटरी होती है प्यारे बच्चों, है ना, लिथियम का यूज इसी में किया जाता है, लिथियम बैटरी होती है। अगला कह रहा है सैफ्रोन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। ये कह रहा है सैफ्रोन क्या होता है प्यारे बच्चों? केसर, बहुत ही महंगा है ना, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, केसर की खेती करनी चाहिए, बहुत महंगा है सब, है ना। ये कहता है ये किससे मिलता है? तो प्यारे बच्चों स्टिग्मा और स्टाइली, केसर के जो फ्लावर होते हैं ना उसके स्टिग्मा और स्टाइली से केसर प्राप्त किया जाता है, सैफ्रोन बोलते हैं इसको, केसर को, है ना, सैफ्रोन, कलंक और सैलिया हिंदी में ऐसे स्टिग्मा और स्टाइली, इसका फ्लावर होता है ना, फ्लावर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व चेंज इन द सोलर सिस्टम के अंदर जो चेंज है, सोलर सिस्टम के अंदर जो चेंज है उसको किससे ऑब्जर्व किया जाता है?
सौर प्रणाली में जो परिवर्तन के निरीक्षण करने के लिए कौन सी दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है प्यारे बच्चों हब्बल दूरबीन का, है ना। कौन सी दूरबीन का? हब्बल दूरबीन का। सोलर प्रणाली, सोलर सिस्टम के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके उसको ऑब्जर्व करने के लिए, है ना, किसका यूज किया जाता है, तो हब्बल दूरबीन का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। इसका हब्बल दूरबीन, इलेक्ट्रॉन दूरबीन का यूज कहाँ किया जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फ्यूज वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आर मेड अप ऑफ। भाई जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्यूज लगा होता है ना, फ्यूज वायर आपने देखा होगा कई बार होता है फ्यूज उड़ गया ना अभी तक, तो वो पहले तो सीधा लगा होता है, जाड़ सी लगी होती थी, आज के समय में फ्यूज लगा होता है। फ्यूज क्या होता है, वो एक कांच की सी होती है, उसके अंदर एक वायर होता होगा पतला सा, देखा होगा आप लोगों ने, दैट इज कॉल्ड फ्यूज, है ना। फ्यूज क्यों लगाया जाता है, ताकि एकदम से अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट आए तो आगे खराबी ना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट्स में कोई दिक्कत ना आ जाए, है ना, तो उसमें फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज किसका बना होता है प्यारे बच्चों, तो फ्यूज बना होता है सीसा और टिन, लेड और टिन की एक एलॉय होती है, मिश्र धातु होती है लेड और टिन, उसका बना होता है फ्यूज। किसका बना होता है, लेड और टीन का बना होता है, ठीक है। फ्यूज का काम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो, ये काम होता है फ्यूज का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बढ़ रहा है, ईईजी, ठीक है। ईईजी किसके लिए होता है, देखो ये एक ग्राफ होता है ना, ईईजी, ये जिस तरह ईसीजी नहीं होता, ईसीजी होता है अपनी हार्ट बीट को मापने के लिए, किसको, हार्ट बीट की, यानी कि हार्ट की एक्टिविटी को मापने के लिए होता है ईसीजी। और ईईजी जो होता है ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, है ना, ब्रेन के अंदर, देखो ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अपने ब्रेन के अंदर चलते हैं, तो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं उनकी एक्टिविटी को मापने के लिए ईईजी का यूज किया जाता है। ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।